हेलो मेरे दोस्तों, मेरा चैनल आदि एक्सपेरिमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भाई अरिंदम। तो मैंने अपना सोलर का जो सेटअप है पूरा कंप्लीट कर लिया है, देखिए। तो इसमें अभी सीमेंट से जाम करना बाकी है, तो इसको मैंने एंगल से बनाया है। ये छेद वाला एंगल ये देख रहे हैं आप, इस एंगल से बनाया है। तो ये एंगल आपको मार्केट में 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा 9 फीट के साइज में। तो उसको काट छाट के आप अपने हिसाब से बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 12x165 का जून का पैनल है जो मैंने पहले खरीदा था, आप सबको दिखाया था मैंने। तो इसका सेटअप ऐसा है, एक स्टैंड के ऊपर पूरा ही है। तो ये स्टैंड अगर आप मार्केट में आप खरीदने जाए तो बना बनाया आपका GI का स्टैंड आपका कीमत आता है लगभग 4,000-4,500 रुपये। तो आप पूरा सेम डिज़ाइन का पैनल आप 1,000-1,200 के अंदर खुद से बना सकते हैं, लेकिन दिमाग में जोर लगाइए। मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ऐसा है डिज़ाइन आपको मार्केट में मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये तीन पैनल को मैंने प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट किया है। सीधी बात से आपको समझाते हैं, प्रॉब्लम कम होगा। जितना जो पैनल है उसका जो प्लस है वो मैंने एक के साथ कनेक्ट किया है तीनों का। एक पैनल का मुझे वायर बीच में DC वायर नहीं मिला था, इसलिए उसको मैंने रेड और ब्लू से अलग कर दिया है मैंने। ये कनेक्टर सिंगल कनेक्टर, ये कनेक्टर से मैंने कनेक्ट करके घर में लेके गया हूँ, अंदर जहाँ पे मेरा पूरा सेटअप है वहाँ पे मैं लेके गया हूँ। ये 4mm AC वायर है। AC और DC वायर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पहला तो DC वायर मेरे पास कम था, इसीलिए मैंने AC वायर का ही इस्तेमाल किया है। और वायर का लेंथ मेरा 2.5 मीटर के आसपास है, इसीलिए मेरा वोल्टेज ड्रॉप ना के बराबर बोल सकते हैं। अभी जैसे देख रहे हैं भयंकर गर्मी है और लगभग 40 डिग्री के आसपास गर्मी है अभी। तो ये वायर मेरा यहाँ से ये घर के अंदर घुसा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि घर के अंदर मैंने सेटअप कैसे किया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा सोलर रिलेटेड, और उसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं आप, आपको दिखाना है मुझे। आप भी सीख पाएंगे, मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊंगा। ये जो आप मकड़ी का जाला देख रहे हैं, ये है मेरा पूरा सोलर सेटअप। ये जो बैटरी है ये मेरा कम से कम 10 साल पुराना बैटरी है, अभी भी अच्छा खासा बैकअप दे रहा है, हैंडमेड है। उसके साथ मैंने स्मार्टन का MPPT सोलर PCU किट मैंने लगाया है। इसका सॉफ्टवेयर वेरिएंट है 2.6। अभी अच्छा खासा पावर मिल रहा है, सोलर पावर अवेलेबल। मैंने मेन्स को डिस्कनेक्ट करके रखा है, 10 एम्पेयर और 17 वोल्ट दे रहा है सोलर से। 13.8 एम्पेयर में चार्ज हो रहा है, बैटरी फुल चार्ज है अभी 14.4। पावर सेविंग यूनिट 1 दिखा रहा है। मैंने ये 5-6 दिन पहले इंस्टॉल किया था, तो इसको मैंने कल सुबह डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट किया है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसके ऊपर, चलिए मैं दिखाता हूं अब डिटेल्स में। ये जो मेरे सोलर का कनेक्ट इनपुट है ये यहां से इस किट के अंदर गया है, ये प्लस ये माइनस। ये है बैटरी का जो PC किट में घुसा है, ये प्लस माइनस। और ये है मेरा इन्वर्टर का कनेक्शन, ये आपका ये लुमिनस का इन्वर्टर है 1050 का। तो मेरा जितना बैकअप जरूरी है उससे ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसको रखा है, अच्छा है। तो अभी जो पावर जनरेट कर रहा है ये इस टाइम में, ये अच्छा खासा पावर है, दिखा रहे हैं स्पार्टन। ये जो इन्वर्टर है इसमें बैटरी सिलेक्ट सही से नहीं हो रहा है, नहीं पता मुझे ये मेरा गलती है या कंपनी का कुछ प्रॉब्लम है, तो सेटअप ही नहीं हो रहा है। सोलर पावर अवेलेबल अभी भयंकर पावर, अभी अच्छा खासा पावर दे रहा है, 9.8 एम्पीयर 17.5 वोल्ट, देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा पावर मुझे मिल रहा है अभी। तो ये जो मेरा पुराना बैटरी है इसके साथ कनेक्टेड है,
इन्वर्टर जो है उसके साथ बैटरी का कनेक्शन, पीसीयू किट के साथ बैटरी का कनेक्शन, इन्वर्टर का जो प्लग पॉइंट, जो आपका इनपुट आउटपुट जो आउटपुट होता है वो आपका जाता है पीसीयू किट में, पीसीयू किट का जो आउटपुट पावर है वो आपका जाता है इन्वर्टर पॉइंट में, जहां से आपके घर में करंट आता है। तो मैं अभी थर्ड फ्लोर में हूं, मेरा इन्वर्टर था ग्राउंड फ्लोर में, तो वहां से मैं एक वायर के जरिए ये पूरा कनेक्शन ऊपर लेके आया हूं खुद से। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूनिट सेव दिखा रहा है एक, तो क्योंकि मैंने इसको खोल के रिकनेक्ट किया है, इसके पहले मेरा 15-16 यूनिट था सेव। मैं अभी मेन को ऑन करता हूं, मेरा मेन अभी डिस्कनेक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो कन्वर्टर है इसमें ये मेन ऑन कट ऑफ का स्विच है, ये मैंने ऑन किया, मैंने मेन को ऑन कर दिया, अभी दिखा देगा मेन अवेलेबल। एम्पेयर में अभी एम्पेयर अभी दिखेगा बहुत कम हो जाएगा अचानक से, क्योंकि जैसे मैंने मेन को ऑन किया है इसका जो एम्पेयर है आपको देखिए मेन अभी अवेलेबल दिखा रहा है, कनेक्टेड दिखा रहा है, पता नहीं क्यों मेरा इतना पावर जनरेट हो रहा है फिर भी मेन ये भी अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं किया। इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है लगता है, देखना पड़ेगा इन फ्यूचर कैसा रिजल्ट मुझे मिलता है। तो मेरे दोस्तों ये है मेरा टोटल सोलर सेटअप, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ भी जानना है मुझे बताना है तो। मेरे वीडियो में हमेशा बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा एक एक डिटेल्स कि कौन सा मशीन कैसा है। चलिए चलते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे।